ऑप्शन हो गया। किस मुद्दे वोट करके आए हो आप? ड्रॉपर हो क्या? नहीं। वीडियो बन रहा है क्या? नहीं, वीडियो नहीं बन रहा, ये हम अपनी सहूलियत के लिए रख रहे हैं। अब आप सभी को पता है 25 तारीख को आज वोटिंग होनी थी और भारी मात्रा में लोग यहाँ वोटिंग के लिए आए हैं। मैनुअल स्कूल के सामने हम कोटा में खड़े हुए हैं और भारी संख्या में देखिए कुछ देखने वाले भी आए, कैसे वोटिंग हो रही है, ये भाग जाते हैं जैसे कैमरा दिखता है ना। और यहाँ पे देखते हैं कोई अगर इंटरव्यू के लिए आता है। एक भाई साहब आ रहे हैं पुलिस की ड्रेस में, अगर हो सका तो उनका इंटरव्यू लेंगे। रोक लो बंदा, चाबी ऑफ कर दो बिल्कुल। और जी, हमारे बीच उपस्थित हुए हैं कोटा के एक मशहूर व्यक्ति जो खाना देते हैं लोगों को। खाना बहुत महत्वपूर्ण चीज है जीवन के लिए। जी, वोट देने जा रहे हो ना? जी। किसको दोगे वोट? बीजेपी। बीजेपी को? कांग्रेस ने काम नहीं किया? नहीं, बीजेपी अपने। आपकी बीजेपी है? क्या नाम है आपका? मोनोजी नायक। क्यों दे रहे हो बीजेपी को वोट? हर साल उनको देते हैं। काम तो कांग्रेस कर रही है 3 बार से, इससे कोई दिक्कत नहीं, हमारा पूरा परिवार उनको देता है। अरे तो एमपी के चुनाव में दे देना, राज्य के चुनाव में भी बीजेपी लानी है आपको? हर बीजेपी। और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बस। आप रोके तो बहुत जोर से थे कि इंटरव्यू देंगे। धन्यवाद। अरे यार, हंसरे ओरल वी का स्माइल आपको अच्छा लगा हमको। थैंक यू। अरे वेलकम। वोट दे के आ रहे हो ना भैया? हाँ। किसे वोट दे के आए? बीजेपी को। बीजेपी को देना? हाँ। 3 बार से दे रहे हो? हाँ। काम तो कांग्रेस करा रही है। काम नहीं, मुझे बस काम से मतलब नहीं, वोट दूंगा बीजेपी का। बीजेपी को ही लाना है? काम वाम भी तो देखते ना लोग। काम भी देखते हैं, अच्छा है काम। आप घर में काम नहीं करोगे और पापा को वोट दे दें, आपको अच्छा लगेगा आपको? नहीं, वैसी बात नहीं, केंद्र में अच्छा काम है इसका। जी, आप वोट देने जाएंगे? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। किस तरफ रहेगा आपका रुझान? सर बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ है। कांग्रेस का काम नहीं देखता आपको? नहीं सर, कांग्रेस ने काम तो बहुत कुछ करा है लेकिन उन्होंने जितना कमाया वो उसको कौन देखेगा? ये तो सरकार देगी ना इसका डाटा, तो अभी तो आया ही नहीं है। नहीं सर, डाटा तो सब आपके पास भी और हमारे पास भी है। नहीं, पर वो कागजों में होना एक बार। नहीं नहीं, कागजी कार्रवाई तो सब होती रहेगी, आंकड़े तो सब सामने है ना। आंकड़े सामने? आपको मोबाइल फोन नहीं मिला? नहीं सर, हमारे को चाहिए भी नहीं, हमारे पास है। तो फिर और क्या जरूरत पड़ रही जो बीजेपी देगी आपको, कांग्रेस नहीं दे पा रही है? नहीं देखिए, काम होना चाहिए और जो काम यहाँ पे हो रहा है वो तो पैसे के बल पे हो रहा है ना। नॉर्मल तो काम हो ही नहीं रहा। तो क्या काम रह रहा है आपका? अरे बहुत सारा काम है जो, जैसे कि जैसा आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं बताता हूँ, जयपुर, उदयपुर और कोटा तीनों ही जगह चमक रही हैं राजस्थान में। आप कोटा में रहते हैं? हाँ। इतना अच्छा विकास हो रहा है और आपको क्या चाहिए, आपका क्या काम रुक रहा है? नहीं, विकास किस चीज से हो रहा है, हमारे को उससे क्या फायदा मिल रहा है? आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है? नहीं, इकोनॉमी तो हम मेहनत करते हैं, हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। बहुत लोग हैं जैसे चूरू की तरफ लोग मेहनत करते हैं, उनकी इकोनॉमी नहीं चल रही अच्छी जितनी कोटा की चल रही है? नहीं 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 चल रही। नहीं चल रही ना? नहीं, नहीं। तो आप क्या और क्या चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि भाई जो सरकार आपकी बन रही है वो वर्ल्ड वाइड जाकर के उसमें बेनिफिट। राज्य सरकार को आप वर्ल्ड वाइड ले जाना चाहते हो? राज्य सरकार नहीं, हम ये कोई राजस्थान का वो थोड़ी हो रहा है, राजस्थान की तो चल रहा है के तो सारे में जाएगा ना, मिलके राज्य भी तो आएगा। राज्य में नहीं आएगा, ये सब नेशनल लेवल पे जाएगा ना। यहाँ मैं कोटा से लाइव हूँ, मैं कुछ सवाल जवाब करूंगा अंकल जी से। अंकल जी, आप वोट डाल के हैं? जा रहे हैं डालने। डालने जा रहे हो अभी? किसकी तरफ रुझान है आपका? अब ये थोड़ी बताएंगे, रुझान तो है नहीं, पर आप काम पे वोट देने जा रहे हो या फिर काम पे वोट देने जा रहे हो, तो इनका रुझान कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ है। और आपको क्या काम दिख रहा है अंकल जी, इसकी तरफ आप काम की तरफ रुझान है आपका? क्या इतना रेलवे का प्रोग्रेस हो रही है, रोड का प्रोग्रेस हो रही है, ये पर रेलवे तो सेंट्रल का मुद्दा है ना अंकल जी, वो सेंट्रल है तो क्या हुआ, तो सेंट्रल का देश की तो वही है ना भाग्य विधाता। अब इनका मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ रुझान है, कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा है। कह रहे ना हम इतने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रेलवे का डेवलप हो रहा है, दूसरे भी विकास हो रहे हैं सारे जो अच्छा है। अच्छा, तो अंकल जी का विकास सेंट्रल लेवल पे है, देश की बात पे, तो मैं कहीं ना कहीं बता सकता हूँ कि ये शायद बीजेपी की ओर रुझान है। किसी की तरफ भी लगाओ आप। और अंकल, और कोई मुद्दा है काम के अलावा? नहीं, यही मुद्दा है। जैसे जो भी पॉलिटिशियन आए हैं, जो भी रोड शो हो रहे हैं, उसमें कभी राम मंदिर का मुद्दा आता है, कभी हिंदू संस्कृति से है तो ये तो निश्चित रूप से हमारा पक्ष तो उधर की तरफ ही जाएगा, दुकान तो उधर ही रहेगा ही, हम कहाँ जाएंगे बताओ। बिल्कुल, पर कभी कभी ये मुद्दा बना के वो वोट लेने की कोशिश करते हैं। नहीं, मुद्दा क्या, अभी तक लोगों में जागरूकता नहीं थी, ये मुद्दा ही नहीं बनता था, बनने लगा है ना। हाँ जी, पहले तो ये छिपा रहता था। जी, दूसरा ही मुद्दा होता तुष्टिकरण, बड़ा वो है, तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखो आप। और अंकल जी, नोटा के बारे में कुछ विचार है आपका? नहीं, नोटा तो क्यों, वोट देंगे नोटा क्यों। अच्छा, पर आपको काम पे अगर वोट देना है तो आप वोट देंगे ही? ठीक है, थैंक यू अंकल जी। जी, अब हम समन्वय बिल्डिंग के बाहर हैं, यहाँ पे हमें लोग आते हुए दिख रहे हैं। वोटिंग अच्छी तरीके से हो रही है, काफी अच्छी तरीके से व्यवस्था करी गई है और यहाँ पे कुछ एलियन के बच्चे आ रहे हैं। मैं कहीं इनसे पूछना चाहूंगा, आपका क्लास में नहीं भैया? किसी क्लास में नहीं, कोई बात नहीं, आप ड्रॉपर हो क्या? नहीं, वीडियो बन रहा है क्या? नहीं, वीडियो नहीं बन रहा, ये हम अपनी सहूलियत के लिए रख रहे हैं। अब वो टेलीकास्ट तो नहीं होगा ना? नहीं, टेलीकास्ट क्यों करेंगे, आप बताइए कि वोटिंग के लिए आप क्या सोच रहे हैं? हम तो यहाँ के नहीं है भैया। तो क्या हुआ, वोटिंग तो हो रही है ना? हाँ, तो यहाँ के लोग देंगे ना। नहीं, फिर भी आप आ रहे हो यहाँ पर, जा रहे हो तो कुछ तो दिख ही रहा हुआ आपको, क्या किसी से पूछा आपने, किसी से बात की? नहीं नहीं,
अभी तो बात नहीं हुआ। सुनो क्या किस मुद्दे वोट करके आए हो आप? सबसे ज़्यादा अच्छा तो कि मेरे राष्ट्र को, मेरे देश को जो सुरक्षित रख सके, आगे विकास के ऊपर ले जा सके, तो ऐसा ही सोच के कि 2024 का चुनाव भी सामने ही है और मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऐसी बना दूं कि उनके हाथ मजबूत हो। तो आप डबल इंजन की सरकार के बारे में नहीं सोच रहे हैं? वही तो सोचा, डबल इंजन का। आप कह रहे हो कि एक ही राज्य सरकार हो जाएगी? राज्य सरकार में यदि मेरा एक वोट काम देगा तो मेरे को राष्ट्र में भी तो वही देना है, लोकसभा में भी तो उसी को ही देना है। जी मैं वही कह रहा था। तो आप सिक्योरिटी के बारे में सोच रही हैं, पर ये तो राज्य का चुनाव है ना? राज्य का चुनाव है लेकिन राज्य राष्ट्र से अलग थोड़ा ही है। हाँ, पर इसकी भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, पाकिस्तान के साथ साझा करती हैं बाउंड्रीज। नहीं, बाउंड्रीज साझा करें उससे कोई मतलब नहीं है, वो आज से नहीं, वो तो सदियों से रही है बाउंड्रीज, तो आगे भी रहेंगी 1947 से बस। पर लेकिन मुझे ये देखना है कि अभी करंटली मेरे को क्या चीजें सामने आ रही हैं, मुझे वो करंट टॉपिक्स को ज्यादा कवर करना है। और धारीवाल जी के स्टेटमेंट पर आपको कुछ कहना है क्या? उन्होंने औरतों के खिलाफ कुछ बयान दिया था, उनके लिए मैं अभी कुछ भी कहने के उसमें नहीं विश्वास रखूंगी, क्योंकि जो हो गया हो गया, हमें जो करना है, हमारा जो अपना शक्ति है वो उनका विचार है, हमारी शक्ति जो हमारे पास है वोटिंग पावर उसे हमें बताना। एक ही पार्टी का वोट दे के आए ना आप लोग? हम लोग की एक ही है व्यूज, एक ही यूनिट हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।